प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए कांग्रेस ने शुरू किया सेवा अभियान। आपको बता दें कि पूरा मामला यूपी के जनपद बांदा का है, जहां पर हर जिले अजय लल्लू की महारसोई संचालित कर 25 लाख लोगों को खाना खिलाएगी। कांग्रेस सेवा की होगी विजय। हम सब में लल्लू अजय सेवा सत्याग्रह की टीम, कांग्रेस का सिपाही मजदूर का भाई, महाअभियान का नारा पूरे प्रदेश में। प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई के लिए लगेंगे 10 लाख पोस्टर। लखनऊ 5 जून 2020, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए सेवा सत्याग्रह शुरू करेगी। इस महाअभियान की थीम सेवा की होगी विजय। हम सब में लल्लू अजय है, कांग्रेस का सिपाही मजदूरों का भाई के नारे के साथ पूरे सूबे में कांग्रेस जन 25 लाख जरूरतमंदों को भोजन वितरित करेगी। वार्ता करी गई क्या जानकारी? जैसा कि आपको मालूम है कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, तब से हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी बराबर निरंतर ही कार्य सेवा पर लगे हैं, गरीबों की मदद पहुंचा रहे हैं, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं। ये सब उत्तर प्रदेश सरकार को रास नहीं आया और उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर फर्जी मुकदमे लगाकर उनको जेल में डाल दिया। 20 मई को उनको गिरफ्तार करके आज लखनऊ की जेल में उनको बंद किए हुए हैं और अपनी सरकार का दुरुपयोग करके तमाम तरह की धाराएं उनके ऊपर लागू करा दी हैं। आज हम लोग संयुक्त शहर जिला कांग्रेस के और हमारे यूथ कांग्रेस में सभी महिला की बैठ कर के आज हम लोगों ने प्रेसवार्ता की है। हमारा निर्देश हुआ है उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी व अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी द्वारा कि हम गांधीवादी रूप में प्रत्येक जिले प्रत्येक उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग कल से महारसोई का संचालन करेंगे, जो 25 लाख टारगेट है कि 25 लाख गरीबों को भोजन वितरण किया जाएगा। उसी क्रम में हम लोग भी बांदा जिला और शहर भी 6 तारीख से 12 तारीख तक ये साझा महासाझा रसोई कार्यक्रम तैयार करेंगे और किस तरह से आप बरकत काम करेंगे। ये पूरे जिले में हमारे कार्यकर्ता खाना बना करके लंच पैकेट बना करके खिचड़ी है, दलिया है, खीर है आदि लेकर के गांव-गांव में गरीब लोगों पर वितरित किया जाएगा, जो गरीब परिवार लोग हैं उन पर वितरित किया जाएगा। और ये वितरण हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रिहा किया जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि उनको रिहा किया जाए और जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उनको वापस लिए जाए। देखिए सेवा कार्य निरंतर जारी रहेगा, हम लोग शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये कार्यक्रम करेंगे।